पूरा मोहल्ले में दो पक्षों के बीच विवाद और पत्थरबाजी हो गई। वहीं घटना के बाद पूरे दिन दूसरे दिन मोहल्ले में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। एहतियात के तौर पर मोहल्ले में पुलिस और पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। पत्थरबाजी की घटना में महिलाएं समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। एक महिला की हालत देखते हुए उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पत्थरबाजी की घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल होने की खबर सामने आई है। इस संबंध में मोहल्ले के अनिल शर्मा ने पत्थरबाजी घटना में शामिल सभासद शमशाद अहमद सहित 12 नामजद एवं 50 अज्ञात के विरुद्ध थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। कल रात में 9 बजे थाना क्षेत्र कोपागंज अंतर्गत हुंसापुरा मोहल्ला में दो पक्षों के बीच में कुएं पर बैठने को लेकर विवाद हुआ। नई उम्र के लड़कों में विवाद हुआ जिसमें आपस में मारपीट हुई और कुछ लोगों के द्वारा पथराव किया गया। कोपागंज पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के स्थिति को काबू में लिया गया और इस संबंध में 2 मुकदमे थाना कोपागंज में पंजीकृत किए गए हैं IPC की तमाम धाराओं के साथ। पूरे प्रकरण में 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ अब तक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।